जरा हाथ ऊपर खड़े करके जोरदार जयकारा, वैसे ही सांसों को खींच के, आंखों को मीच के, दांतों को पीस के, दोनों हाथ उठा के बोलिए रानी सती दादी की। आइए, जिन जिनको मिल गया दादी के दरबार से, जिन्होंने जो सपने में भी सोचा नहीं होगा आज उनके सपने पूरे हुए, वो आज सारी दुनिया से कहते हैं हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए झूझन वाली के, हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए झूझन वाली के, हम ताली बजा कर हम ताली बजा कर कहते हैं, हम हो गए झूझन वाली। एक बार कहिए हम हो गए झूझन वाली के, हम हो गए झूझन वाली के, हम हो गए शेरों वाली के, हम हो गए शेरों वाली के, हम सर को उठा कर कहते हैं, हम सर को उठा कर क्या क्या कहते हैं, हम हो गए, हम हो गए झूझने। देखिए कीर्तन शाम के 5 बजे शुरू हुआ, दादी के भगत वो भी हैं जो 5 बजे आए थे और अब जाने की तैयारियों में हैं, कुछ जा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि भगत जो आप 5 बजे आए हो बैठे हो सिर्फ आप ही भगत हैं, भगत वो भी हैं जो 5 बजे आए थे और 6:30-7 बजे आरती हुई और चले गए। फर्क इतना ही सा है कि वो भगत वो भी हैं, भगत आप भी हैं, लेकिन फर्क इतना है वो घर से आए भी अकेले थे, गए भी अकेले हैं, और जो आरती के बाद जाएंगे दादी उनके साथ जाएगी। कौन कौन लेकर जाएगा, दोनों हाथ उठा के ताली बजा के हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हाथ उठा कर कहते हैं। देखो ऐसे मजा नहीं आया, अगर आपने गाया हाथ उठा के कहते हैं फिर हाथ नीचे नहीं, जरा हाथ उठा के ताली बजा के हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम ताली बजा कर कहते हैं, हम हो गए झूझने वाली के, हम हो गए झूझने वाली के। एक बार हम हो गए झूझने, हम आपको पता है जब रमा भाभी का कॉल पहली बार आया था उन्होंने कहा ज्योति भैया आप जब नागपुर आएंगे ना आपको भजन गाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ के भगत ऐसा गाते हैं कि आपकी आवाज खुद पर खुद आ जाएगी। लेकिन अभी भी वो बात नजर नहीं आ रही है, एक बार पूरे जोश के साथ गाइए ना, हम हो गए वाली के, हम वाली के, फिर किस सोच में पड़े हैं, हम हाथ उठा गए ओ हम ताली बजा के क्या कहते हैं, हम हो गए झूझन वाली के, हम हो गए झूझन वाली। अब एक बार जो झूझन वाली के हो गए ऐसी तालियां जो शाम के 5 बजे से ना बजियो, जोरदार 1 2 3 4 पूछती है। कभी कभी मैं जिस कॉम्प्लेक्स में रहता हूं अक्सर ये सवाल लोग पूछते हैं, कभी कभी 2-4-5 दिन ऐसा हो जाते हैं जब कार्यक्रम नहीं रहते घर में, 11:30-12 बजे सो के उठते हैं, दुनिया पूछती है कोई मिल जाता है कॉम्प्लेक्स में बोले खन्ना जी आप इतने बड़े हैं काम क्या करते हैं, छपकी रखी है, आपका परिवार कैसे चलता है। कभी देखते हैं रात को 3 बजे सूटकेस लेके निकले 5-10 दिन बाद बाहर से आए, कभी देखते हैं घर में 5-5-6-6 दिन सोते ही रहते हैं, आपका परिवार कैसे चलता है। जब ये सवाल सामने आता है तब हम पूरे डंके की चोट पर पूरे गर्व से सीना तान के कहते हैं मुझे कहने में संकोच नहीं, मुझे कहने में
संकोच नहीं, मुझे कहने में संकोच नहीं, मुझे कहने में संकोच नहीं, मेरा दाता कोई और 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 नहीं। बोले रमा भाभी तो जब देखो दादी का मंगल में दादी के कीर्तन में जावे है, के बेरो के करे है, कहीं रुपया पिसा आवे, कहीं दादी की सेवा में लागी रवे। जब दादी बुलावे नागपुर से उड़ के गई झुंझुनू और आ गई फिर वापस, कैसे जाते हैं तो वो जो दादी वाले होते हैं वो ये कहते हैं, मुझे कहने में संकोच नहीं, मुझे कहने में संकोच नहीं, मेरा दादा कोई और नहीं, दादा कोई और नहीं। जिन जिन को इस दरबार से मिला है जरा हाथ खोलना सीधे सीधे और कहना मेरे साथ, हम सबके सामने कहते हैं, हम सबके सामने कहे क्या क्या, हम हो गए झूझड़ वाली के, हम हो गए झूझड़ वाली के, हम सबके सामने कहते हैं, हम सबके सामने कहते हैं, हम हो गए झूझड़ वाली के, हम हो गए झूझड़ वाली के। अच्छा जी कौन कौन हो गए, मैं नहीं नारायणी भाई आपको देख रही है जरा हाथ ऊपर, हम हो गए, हमें हाथ उठा के, हमें हाथ उठा के, हम ताली बजा के, क्या हम हो गए झूझड़ वाली के, हम हो गए झूझड़ वाली के। जो झूझड़ वाली के हो गए हैं एक बार जरा हाथ उठाना पूरे के पूरे, और तालियां थोड़ी दादी के नाम की जोरदार, 1 2 3 4। तालियां थोड़ी जोरदार, जब से हम झुंझुन वाली के हो गए हमने क्या किया, सारे बंधन को छोड़ दिया, 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 हमने क्या किया, नाता माँ तुमसे, नाता माँ तुमसे जुड़िया, और जिस दिन से नाता जुड़ा उस दिन से क्या किया, हम सर को उठा कर कहते हैं, हम सर को उठा कर कहते हैं, क्या हम हो गए झूझड़ वाली के, हम सर को उठा कर कहते हैं, हम हो गए झूझड़ वाली के, हम हो गए वाली के, हम हो वाली। अभी भी मजा नहीं आया, जो झुंझुन वाली के हो गए जरा हाथ खोल के, हमें हाथ उठा के कहते हैं, हमें हाथ उठा के कहते हैं, ओ हमें ओ हमें ओ हमें हो गए झुंझुन वाली के, हमें हो गए झुंझुन वाली के, हमें हो गए झुंझुन वाली के। कभी कभी ऐसा देखा गया है जो लोग सिर्फ और सिर्फ, माता जी कहीं जा रही है, अच्छा थोड़ी ताली बजाकर जरा जोरदार, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जो लोग
सिर्फ और सिर्फ दादी का भजन करते हैं, दादी का कीर्तन करते हैं, जिनको सब कुछ मिला हुआ है। दुनिया कहती है देखो ये अभी भी पागल है, आने सब कुछ दादी दे रखी है, फिर भी दिन भर कीर्तन कराए, दिन भर झुंझुनू जाता रहे, दिन भर दादी को नाम लेवे। अरे अगर दादी का नाम लेने से दुनिया पागल कहती है तो सुन लीजिए, ओस की बूंदों से पत्ते ही अच्छे हैं, और दादी का कीर्तन दादी का मंगल गाने से दुनिया अगर हमें पागल कहती है तो हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। कौन कौन दादी के नाम का पागल बनेगा, दोनों हाथ खोलकर एक बार, पागल कहे तो मंजूर मुझे, पागल कहे जूर मुझे, पागल कहे तो मंजूर मुझे, पागल कहे तो मंजूर मुझे, चाहे कहे तो मकरूर मुझे, चाहे कहे तो मकरूर मुझे, लेकिन लेकिन हम ढोल पीट कर कहते हैं, हम ढोल पीट कर कहते हैं, हम हो गए झूंझण वाली, हम ढोल पीट कर कहते हैं, हम हो गए झूंझण वाली। ढोल कैसे बजता है, कैसा शोर आता है, वैसा शोर आपकी तालियों से आए, एक बार दोनों हाथ उठाकर, हम हो गए झूंझण वाली के, हम हो गए झूंझण वाली के, हम हो गए शेरों वाली के, हम हो गए शेरों वाली के, हम सबके सामने कहते हैं, हम सबके सामने कहते हैं, हम हो गए झूंझण वाली के, हम हो गए झूंझण वाली। जो दादी के बन गए हाथ नीचे नहीं, दोनों हाथ खोल के ये ताली, 1 2 3 4 जय हो। बोलिए रानी सती दादी की। दादी के नाम में मगन हो गए, तालियां थोड़ी जोरदार। अब भले बुरे का होश नहीं, अब बुरे का होश नहीं, अब भले बुरे का होश नहीं, अब बुरे का होश नहीं, कहता है पवन अफसोस नहीं, कहता है पवन अफसोस नहीं, कहता है पवन अफसोस नहीं, पवन अफसोस नहीं, हम सीना तान के कहते हैं, हम सीना तान के कहते हैं, हम सीना तान के कहते हैं, हम सीना तान के कहते हैं। आपके तो कुल में पहले दादी की पूजा होती होगी, है ना, कोई किसी की 2-4 पुश्तें दादी को धोक रही हैं, किसी की पहली दूसरी धोक रही हैं, कोई 20-25-50 सालों से जुड़ा है किसी का परिवार, लेकिन आज से 5-7 साल पहले मेरी 7 पुश्तों ने नहीं सुना था कि झुंझुन वाली मैया कौन है। पहली बार जब दादी के दरबार गया, उससे पहले जब हम भजन गाते थे कभी कभी कलकत्ते के बाहर, जब मुंबई गए तो लोगों ने कहा, बोले खन्ना जी हमारी टाटा से पहचान है, कभी कहीं कोई काम अटक जाए तो हमें कह देना, आपका काम बन जाएगा। कभी राजस्थान गए तो लोगों ने कहा, बोले हमारी बिरला जी से पहचान है, कोई काम पड़े तो बता दीजिएगा। ऐसा तब तक सुना था जब तक दादी ने हमारी नहीं सुनी थी, जिस दिन से दादी ने सुनी है, अब जब कोई कहता है हमारी टाटा से पहचान है, हमारी बिरला से पहचान है, तो उसकी कलाई नहीं कॉलर पकड़ लेते हैं, बोले हमारी जिस दादी से पहचान है, जिसने टाटा बिरला अंबानी बनाए हैं, आपको कोई काम पड़े तो बता दीजिएगा। वो दिन है और आज का दिन है, हम सीना तान के कहते हैं, हम सीना तान के कहते हैं, हम सर को उठा कर कहते हैं, हम सर को कहते हैं, डंके की चोट पर कहते हैं, डंके की चोट पर कहते हैं, क्या हम हो गए झूंझण, हम हो गए झूंझण,
ओ हम हो गए झूंझड़ के, हम हो गए वाली के। अब जो झूंझड़ वाली के हो गए उसके हाथ नीचे नहीं, दोनों हाथ उठा के ताली बजा के हमें हाथ उठा कर कहते हैं, हमें हाथ उठा कर कहते क्या? हम हो गए झूंझड़ वाली के, हम हो गए झूंझड़ वाली के, हम हो गए झूंझड़ वाली के, हम हो गए झूंझड़ वाली के। देखो अगले भजन में हाथ नीचे हो काम चल जाएगा, लेकिन इस भजन में जो कुर्सी पर बैठे हैं, जो कतारों में खड़े हैं, जो इधर माताएं मैंने बैठी हैं, एक भी हाथ नीचे ना हो, जरा हाथ खोल के और ताली बजा कर एक बार हमें हाथ उठा कर कहते हैं, हमें हाथ उठा कर कहते हैं, हमें ताली बजा के टंके की चोट पे कहते क्या? हम हो गए झूंझड़ वाली के, हम हो गए झूंझड़ वाली के, ओ हम हो गए झूंझड़ वाली के, हम हो गए झूंझड़ वाली के, ओ हम हो गए झूंझड़ वाली के, हम हो गए राम।